साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों, आज मैं आपको जो रेमेडी दे रहा हूं ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज की जो रेमेडी है वो आपको हनी यानी कि शहद से करनी है। अगर आपके पास में फोटो अवेलेबल है तो फोटो से करें, और फोटो नहीं है तो नाम से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक दे रहा हूं। आप कोई भी रेमेडीज ना करें, अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपको और कोई रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण का सिद्धांत। आप क्या अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं? लॉ ऑफ रिदम ये कहता है कि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारी सोच होती है, ब्रह्मांड उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स इतना परफेक्टली कैसे वर्क करता है? अगर आप मैथमेटिक्स उठा के देखें तो देखिए, आप पंचांग उठा के देखेंगे तो हमारा ज्योतिष शास्त्र यानी कि अंक शास्त्र इतना पावरफुल है, जो हजारों साल बाद में जो घटनाएं जो अंतरिक्ष में घटनी है, जो ग्रहण पड़ने हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या कोई भी आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, उसका पूरा विवरण आपको पंचांग में मिल जाएगा। तो यह है हमारा सनातन धर्म। अंक शास्त्र के अनुसार यदि हम देखा जाए तो ब्रह्मांड भी जो है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड के दो रूल्स हैं, एक मैथमेटिक और दूसरा हमारे थॉट्स। अगर आप कोई भी रेमेडीज नहीं करना चाहते हैं तो 41 डेज तक बस एक चीज करना शुरू कर दीजिए। जो भी चीज आप चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर हैं, आप किसी पर्सन को चाहते हैं, लव रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव चीजें सोच करके कि जो चीज वैसा आप चाहते हैं उस मोमेंट को आपको फील करना है, और एडवांस में आपको यूनिवर्स को धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे साथ में ये चीजें हो गया। आपको प्रेजेंट में हो चुका है या होने वाला है वो नहीं, हो रहा है, मतलब हो गया आपके साथ में, कि ये व्यक्ति मेरा हो चुका है। आप किसी को रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये बोलना है कि ये इस व्यक्ति से मेरी मैरिज हो चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरी फीलिंग्स के साथ में। और यही क्रिया अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो और भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन कंटिन्यू करना है आपको कम से कम 41 डेज। एक ही टाइम पे करेंगे और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ चेंजिंग मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों बहुत ही पावरफुली वर्क करता है, बस हमें उस चीज का जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूं कि अगर आप प्रेजेंट टेंस में, मतलब कि आपको उस जो चीज आप चाहते हैं और उसको फील करते हुए कि वो चीज आपको मिल चुकी है, और आप एडवांस में जब ब्रह्मांड को, कुदरत को ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो प्रकृति वैसे अनुकूलताएं आपके सामने लाने लगती है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप टूट रहा है तो उसको आप ये सोचिए कि वो सुधर रहा है, मतलब कि जो चीज जैसा चाहते हैं उन चीजों को फील करना है ना। करके देखिए इसको, कम से कम 41 डेज करिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो किसी भी टाइम पे कर लीजिए, लेकिन एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि अगर दिन में 12 बजे कर रहे हैं तो 12 बजे ही करना है आपको, 41 डेज तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद में देखिए कितना चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। और दूसरा जो रेमेडी दे रहा हूं, इसमें जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास में फोटो है तो फोटो से करें, नहीं तो दो भोजपत्र के टुकड़े ले आए, इजिली मार्केट में 10-20 रुपए का मिल जाएगा। प्रयोग आप किसी भी सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, रात्रि 11 से 1 के बीच में या सुबह 4 से 6 के बीच में करेंगे, ठीक है। और साथ में जरूरत पड़ेगी आपको एक शहद की सीसी, छोटी सी कांच की सीसी, ठीक है, जिसमें शहद भरा हो, ये दो चीज आपको जरूरत पड़ेगी, और एक रेड मार्कर या रेड पेन ले लें। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करें, क्योंकि बर्थ चार्ट में क्या होता है, कोई प्लैनेट अनबैलेंस होता है या आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होता है, तो वो प्लैनेट जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं,
फेस रीडिंग अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7-11-21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। और यदि आप किसी व्यक्ति का काफी टाइम से वशीकरण कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए उस व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है। जिस व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। और आप लोगों को हर वीडियो में अलर्ट करता हूं कि कोई आपको बोले 1 घंटे में 2 दिन में 3 दिन में विधि करके दे रहा है तो ऐसे लोग फ्रॉड है, इनसे दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही जटिल क्रिया होती है। कम से कम 11 डेज 21 डेज और लास्ट 41 डेज में क्रिया कंप्लीट होती है। तो फ्रॉड कैसे बिल्कुल बच के रहें, ठगी में ना फंसे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, अगर फोटो है तो 2 फोटो आपको ले लेनी है, और टाइम मैंने आपको बता दिया रात्रि 11 से 1 के बीच में या 4 से 6 के बीच में। नहा धो करके स्वच्छ तन मन के साथ में शुद्ध कपड़े पहन के इस प्रयोग को करना है। सात्विक प्रयोग है, ठीक है। और जिस दिन प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मचर्य से रहें, नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल इन चीजों को अवॉइड करें। कोई भी स्टोन पत्थर पहना है उतार दें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें, सामने एक बाजू पटर लगाएं, घी का दिया जलाएं, कपड़ा बिछा लें। अब वहां पर आपको क्या करना है, शहद की शीशी लेनी है, उसको खोल करके रख देना है। 2 इलायची ले लें, 2 इलायची शहद की शीशी में आपको डाल देनी है। अब यदि फोटो है तो फोटो को आपको क्या करना है, फोटो के बैक साइड में जिसके जैसे कि आपकी फोटो है, एक आपको अपनी फोटो लेनी है, एक अगले व्यक्ति की फोटो लेनी है, तो अगले व्यक्ति की फोटो में अपना नाम लिखना है और आपकी फोटो में उसका नाम लिखना है। अब जिनके पास में फोटो नहीं है तो 2 भोजपत्र के टुकड़े लेने हैं, एक भोजपत्र में अपना नाम लिखना है और एक भोजपत्र में उसका नाम लिखना है। फोटो को दोनों के फेस जो होंगे इस तरीके से मिला देंगे, और यदि भोजपत्र में लिखा है तो दोनों भोजपत्र के नाम को आपस में मिला देंगे। अब सीधे हाथ में इस तरीके से उसको रखेंगे, आग बंद करेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे, 2 मिनट उसको विजुलाइज करेंगे, उसके इमेज को सोचेंगे। उसके बाद में 501 टाइम्स एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम नमो कामाक्षा देवी अमुक वसम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो कामाक्षी देवी अमुक वसम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे। 501 बार मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्रों की काउंटिंग ध्यान से करेंगे, 501 मतलब 501। जब भी आपकी क्रिया कंप्लीट होती है, शहद की बोतल के अंदर उसको आपको डाल देना है, ऊपर से ढककर लगा देना है। प्रयोग कर रहे होंगे उस समय घी का दिया जरूर जलाएं, अग्नि साक्षी होती है किसी भी प्रयोग की, तो घी का दिया जरूर जलाना है। जब भी क्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप इस बोतल को उठा करके कहीं सुरक्षित अपने ऊंचाई से, सिर की ऊंचाई से कहीं भी सुरक्षित रख दें। शहद जो होती है दोस्तों बहुत ही पावरफुल होती है, ये एक मिठास लाएगी रिश्तों में। नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो खटास होती है उसको दूर करके ये पॉजिटिव चीजें लाती है। तो ये जो ये आपने डाल दिया, ठीक है, ये काम आपने कर दिया। अब थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना है, धैर्य बनाना है, कम से कम 7 डेज 11 डेज 21 डेज या 41 डेज में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप ये अगर ये सोचे कि आज मैं 20 डाल दूं कल फल देने लगे तो ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना जरूरी है। बस ये छोटी सी क्रिया आप करके देखिए, आपको 100% इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है, ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, उसका आप नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर से उसको निकाला ना जाए, काटा ना जाए। यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो समझ जाइए उस व्यक्ति पर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। 7 डेज 11 डेज 21 डेज लास्ट 41 डेज में आपको 100% लाभ की गारंटी है। और थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, फ्रॉड के उसमें ना फंसें, ठीक है। और वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, और उसके बाद में इस विधि को आप करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही चमत्कारिक विधि है, काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये विधि दी है, टेस्टेड प्रयोग है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, फीडबैक काफी अच्छा है, तो इसलिए रेमेडी मैं आप लोगों के सामने प्रसारित किया है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तक जरूर शेयर करें। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, या विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे,
सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।